सुखम इंद्रियकम दैत्या देहो योगेन देहिनाम सर्वत्र लभते यस्मान् यथा दुःखम अयत्नतः। श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, अदक्ष जो भगवान का सेवा कोई नहीं करना चाहता है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, अदक्ष जो भगवान का सेवा कोई नहीं करना चाहता है। सब जड़ जगत का जो माया का सेवा खूब करना चाहता है, बिना बुलाए बिना पूछे माया का सेवा खूब कर सकता, लेकिन भगवान का अधक्ष जो वस्तु भगवान का सेवा कोई नहीं करना चाहता। अधक्ष जो वस्तु एवं अक्ष जो वस्तु दो शब्द है, बहुत इम्पोर्टेंट शब्दों। अक्ष जो वस्तु का मतलब है जो इंद्रिय के द्वारा अनुभव होने वाला, व्हाट आई कैन फील विथ माय सेंस ऑर्गन एंड माइंड मटेरियल माइंड, दैट इज कॉल्ड अक्षज वस्तु। अक्षज वस्तु मतलब नाशवान वस्तु। ये जगत में काल भी बताया था, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनः अर्जुन, हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सारे घूमते रहता है, साइक्लिक ऑर्डर, पुनरपि जननम पुनरपि मननम, ऐसा ब्रह्मा से लेकर चेटी तक चलते रहता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। फिर भी आम आदमी का पागलपंती, कोई सिर्यूटी नहीं है, कोई सर्टिनिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, फिर भी तमाम दुनिया का पागलपंती बंद नहीं होने वाला। एनी हाउ ये लोगों का जो एंजॉय करने का जो मूड है, मटेरियल एंजॉयमेंट, ये कभी रुकने वाला नहीं, वो छोड़ता नहीं। गीता में भगवान जी बताएं, देखो ये सब मूर्ख लोग, जे ही संस्पर्शजा भोगहा दुःख जनय एवते आद्यांतवंत कंतियो न तेषु रमते बुधाः। भगवान श्री कृष्ण चंदो अर्जुन का सामने कह रहे हैं गीता में, जे ही संस्पर्शजा भोगहा दुःख जनय एवते, दुःख जनय एवते आद्यांतवंत कंतियो न तेषु रमते बुधाः। हे अर्जुन, जे ही संस्पर्शजा भोगहा, टेंजिबल जो फैसिलिटी एन्जॉयमेंट है, संस्पर्शजा मतलब इंद्रिय के द्वारा जो अनुभव होने वाला, जो मजा मिलने वाला जो विषय है, जे ही संस्पर्शजा भोगहा, जितना सारे एन्जॉयमेंट है, बहुत सारे, जितना आपका जड़ इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा अनुभव होने वाला, अनुभूत होने वाला, जे ही संस्पर्शजा भोगहा दुःख जनय एव थे, ये एन्जॉयमेंट के द्वारा अर्जुन दुख ही दुख मिलेगा, कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। जड़ जगत में एक भी उदाहरण दिखा दो मेरे को, जड़ जगत का एन्जॉयमेंट करते करते संतुष्ट हुआ है और वो खुशी हुआ, संतुष्ट होके जगत से गया। भगवान अर्जुन को बताए, देखो दुख जनयो एवते, ये जो एन्जॉयमेंट का इच्छा है, इससे हर हालत में दुख ही दुख पैदा होगा, दुख ही दुख पैदा होगा और कुछ नहीं होगा। अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट मिला, वो भी पल भर का एन्जॉयमेंट, अभी एन्जॉयमेंट, उसके बाद दुख। इसीलिए भगवान बताएं कि जे ही संस्पर्शजा भोगहा
दुक्षजनयो एवते आद्यन्तवन्तकन्तयो न तेषु रमते वदा। जो सुख का स्टेबिलिटी बहुत ड्यूरेशन बहुत कम है, अभी एन्जॉयमेंट शुरू हुआ, अब कुछ ही देर में एन्जॉयमेंट का जो विषय है समाप्त हो जाएगा। ये विषय जो है भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, आद्यंत बंतो मनु, तुम्हारा ये एन्जॉयमेंट का शुरुआत है और शेष भी है, स्टार्टिंग है एंड एंड पॉइंट है। भगवान ये दो पॉइंट बताए, आद्यंत बंतो मने आदि अंत बंतो, आदि भी है जिसका ये एन्जॉयमेंट का मटेरियल एन्जॉयमेंट का शुरुआत है, शेष भी है। न तेषु रमते बुधाः, भगवान कह रहे हैं कि देखो वास्तव जो बुद्धिमान है, रियली दोज़ वर रियली इंटेलिजेंट, भगवान कह रहे हैं कि देखो वो लोग लेकिन ये एन्जॉयमेंट का पीछे दौड़ेगा नहीं। आद्यंत बंत कंति हो न तेषु, तेषु मतलब वही एन्जॉयमेंट जो है वो सब एन्जॉयमेंट में रमन करना नहीं चाहता है। कौन? दोज आर रियली इंटेलिजेंट, वो जानता है इसमें हर हालत में नरक का ओर जाना पड़ेगा, हर हालत में नरक का ओर जाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बताएं ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये सब एन्जॉयमेंट का पीछे कभी भी समय अर्थ विद्वा बर्बाद नहीं करना चाहता है जो बुद्धिमान है। बहुत बार बहु कथा में मैं कह चुका हूँ ये बात, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को भागवत जी महापुराण में 11वां स्कंद में भगवान श्री कृष्ण चंद्रो अपना लीला संवरण का पहले उद्धव जी महाराज को जो शिक्षा तरंग चढ़ाए थे, जो शिक्षा दिए हैं, उसका नाम है भगवत तत्व विज्ञान। बहुत विस्तृत विषय है, वास्तव जो भक्त लोग हैं वो सब उसका मजा ले लेते हैं और बाकी दुनिया का तो खबर ही नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं कि देखो, उद्धव जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी वास्तव बुद्धिमान कौन है? उद्धव कह रहे हैं ठाकुर जी वास्तव बुद्धिमान का लक्षण क्या है, वास्तव बुद्धिमान कौन है ये बताएं, ये बताने का कष्ट करें क्योंकि हमारा। और ठाकुर जी कह रहे हैं कि बुद्धिमानों में वो बुद्धिमान है जो ये दो दिन का जिंदगी पकड़ कर एषा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीणम जत सत्यम अनृते नेह मर्ते न अपनति अमृतम। हर वक़्त ध्यान देना चाहिए इस विषय पर। भगवान कह रहे हैं, साक्षात भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को, जो बुद्धिमान वो है कौन? एषा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीणम जत सत्यम अनृते नेह मर्ते न अपनति अमृतम। भगवान कह रहे हैं कि देखो बुद्धिमानों में वो बुद्धिमान वास्तव है जिसका मनीषा है बहुत, उसमें वास्तव मनीषा उसका ही है जो पल भर का जिंदगी प्राप्त करने के बाद असली अमृत प्राप्त करने के लिए जो चेष्टा करे, वो कोशिश में लगे हैं कि वो वास्तव अमृत हमको मिल जाए, क्योंकि ये शरीर हाल हालत में अनस्टेबल है, इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये शरीर का कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आज है अभी है दो पल भर जा सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि एषा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीणाम ज सत्यम अनृते ने हो मरते न अपनेते अमृतम। अनृते ने हो
ये शरीर और जड़ जगत का जो कुछ है ये सब अनस्टेबल था, अनृत नहीं हो, अनृत मतलब मिथ्या, लेकिन शरीर 100% मिथ्या नहीं है, अनस्टेबल है। अनृत नहीं हो, अनृत नहीं हो, अपनति अमृतम, अपनति मतलब प्राप्त करना, अमृत प्राप्ति करने के लिए जो कोशिश में लगे हुए कोशिश कर रहे वो वास्तव अमृत, वास्तव बुद्धिमान है। अब अमृत क्या है ये विषय है, जो अमृत कुंभ मेला में मिलता है वो अमृत का पीछे गुरु वैष्णव कभी भी दौड़ता नहीं। प्रभुपाद जी कभी कुंभ मेला में नहाने के लिए पोस्ट प्रयास नहीं किया, हमने जिंदगी में एक भी कुंभ मेला में गया नहीं, मेरा कोई इच्छा ही नहीं है, और नहाने का तो दूर की बात है, देखने का भी इच्छा नहीं। ये सब जड़ जगत का विषय है, अमृत तो है ही है, लेकिन ये अमृत के द्वारा संसार बंधन से छुटकारा मिलकर अपरागित जगत का भक्ति ये मिलना संभव नहीं। यह अमृत मिलेगा, यह अमृत जड़ जगत का जो इंद्र लोग इंद्र देवता लोग जो अमृत पान किया उसमें बचा खुचा कुछ मिल सकता है, क्योंकि गुरु जी महाराज अमृत का कलसी लेकर उधर बैठा था, बहुत सारे कहानी है महाभारत में भी। अभी ये दो पल का जिंदगी पकड़कर जो अमृत वास्तव अमृत प्राप्ति करने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं वो वास्तव बुद्धिमान। भगवान श्री कृष्ण चंद्र इधर जो अमृत का बारे में बताए वो भक्ति है, वो अमृत कुंभ मेला में जो मिलता है वो अमृत नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवान कह रहे हैं अमृत प्राप्ति के लिए। अंदर अमृत का व्याख्या भगवान अमृत का जो व्याख्या अमृत क्या है ये भी भगवान खुल्ला में खुल्ला बता दिया। भागवत में दसवां स्कंद में भगवान श्री कृष्ण खुल्ला में खुल्ला बताया अमृत क्या है, जानते हो कौन सी जानकारी तुम्हारा पास है अमृत के बारे में? भगवान बताए दसवां स्कंद में, मई भक्तिर ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते, हमारा लिए जो जीवों का व दो जीवों का चीज, हमारा लिए जीवों का जो भक्ति है भक्ति भाव ये एक्चुअल अमृत है। मई भक्तिर ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते, इसको ही वास्तव अमृत बोला जाता है। जो अमृत का चेष्टा जड़ जगत का आदमी कर रहे हैं सारे दौर लगा वो अमृत नहीं है। जो विषय दे के शुरुआत किया उसमें ये प्रश्न आया है, प्रभुपाद जी ने बताया कि अधोक्ष जो भगवान का सेवा कोई नहीं करना चाहता है, इसका बाद क्वेश्चन आया अधोक्ष जो वस्तु क्या है और अक्षय जो वस्तु क्या है। अक्षय मतलब नाशवान वस्तु, अक्षय मतलब नाशवान वस्तु, इंद्रिय के द्वारा अनुभव होने वाला जो विषय है वो अक्षय वस्तु। अधक्षय वस्तु मतलब जिसको तुम्हारा काल भी बताया था, ऑल योर मनी पावर, ऑल योर मैन पावर, ऑल योर एलिगेशन और एवरीथिंग यू कैन एंगेज, सारे तमाम तुम्हारा धन दौलत का शक्ति क्षमता मैन पावर मनी पावर विद्या बल जितना सारे तुम्हारा ताकत है तमाम इकट्ठा कर लो और ये अपराकृत जगत का जो भगवान है भगवान का चरण दर्शन चरण प्राप्ति नित्य सेवा प्राप्ति का चेष्टा करो, लेकिन फिर भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। पापा जी ने इसलिए बताए अपना जितना धन बल जितना विद्या बल जितना लोग बल सारे इकट्ठा करके जिस वस्तु को जान नहीं पाओगे, जिस वस्तु का विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं मिलने वाला है इसका नाम है अधक्खज वस्तु। दुनिया का सारे ताकत इकट्ठा करने का बाद भी जो आप कामयाब नहीं हो पाओगे जिस वस्तु को प्राप्त करने का विषय में उसका नाम है अधक्खज वस्तु। और भी क्लियर बताया जीव गोस्वामी पाद जी, जीव गोस्वामी पाद जी और सुंदर बताया
अदक्ष जो वस्तु कौन है, क्या है? जीव गोस्वामी पाद जी ने बताया, अधकृत अक्षज ज्ञानम, अधकृत अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रियज ज्ञानम जेनो इति अधक्षज। क्या बताया? अधकृत अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रियज ज्ञानम जेनो इति अधक्षज। जो साधारण संस्कृत जानता है, प्रिलिमिनरी संस्कृत, वो भी समझेगा। जीव गोस्वामी पाद का कहने का मतलब है, अधकृत अक्षज ज्ञानम, जितना मेटेरियल सेंस ऑर्गन का नॉलेज है, ब्रेन है, मन है, उसका जो पावर है, सबको एक लात लगाकर जो नीचे फेंक दिया, और जो तत्व अपना महिमा के द्वारा भास्कर है, भास्कर मन ग्लोइंग, सौ महिमा में स्वराट भूमिका में अवस्थित है, और तुम्हारा जितना सारे तुम्हारा इंद्रिय जो ज्ञान है, सेंस ऑर्गन को लगाकर, बुद्धि लगाकर, मन को विचार में लगा दिया, एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन में, फिर उसको लात लगा के ठाकुर जी फेंक दिया नीचे, बोले तू हमको इस प्रचेष्टा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए उपनिषद में सुंदर बताया, ये इतना प्रवचन सुन लो, इतना विचार करो, इतना प्रयास प्रचेष्टा करो, फिर भी आपका सामने वो तत्व वस्तु का जो महिमा है वो प्रकाशित नहीं होने वाला। प्रवचन सुनो का मतलब है खाली प्रवचन सुनने का प्रयास किया, उसको अपना जिंदगी में अप्लाई नहीं किया। मेरा बात ऐसा नहीं कि प्रवचन के द्वारा मिलेगा नहीं, प्रवचन के द्वारा तो मिलेगा ही, क्योंकि नौविधा भक्ति आम अगले दो तीन दिन हैं, उसमें जरूर हम बताएंगे नौविधा भक्ति के बारे में, प्रहलाद महाराज जी का क्या उपदेश, उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम सब हम बताएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि श्रवण के द्वारा भक्ति मिलेगा नहीं, ये अगर होता तो पिछले दो दिन में यह बात हम नहीं व्याख्या करने का प्रयास करते। हमने बताया कि प्रहलाद महाराज का कहना है कि सौत पंथा को अपनाओ, सौत पंथा को अपनाओ, अगर आप चाहते हो को ठाकुर जी का साथ कनेक्शन जोड़ोगे, कनेक्शन करोगे, भक्ति प्राप्त करोगे, तो जरूर एक काम करो, सौत पंथा को अपनाओ। सौत पंथा मतलब हमारा गुरु परंपरा में जा वाणी का जो फ्लो भक्ति विनोद धारा बहते आ रही है, हम तक आया कि नहीं है तो हमको जानकारी नहीं है, वो तो ठाकुर जी जानता है, लेकिन हमारे ऊपर आदेश है जो स्रोत वाणी इसका ही कीर्तन करना। शिला भक्ति वाल अतिथि को समय जी यही कहते थे, स्रोत वाणी का कीर्तन करो, इसमें मंगल होगा, अपना तरफ से कुछ बोलने का कोशिश मत करो। इसलिए जितना आदमी जितना भी गुस्सा करे मेरा कठोर प्रवचन पर, ये दे कैन नॉट जस्ट प्रूव दैट आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ परंपरा। हमारा ये इसका हिम्मत भी नहीं है, कोई भी विरुद्ध में जाए इसका प्रमाण करने का कोई हिम्मत नहीं, जो एक शब्दों आम हमारा सौत पंथ का बाहर बोला, हो सके इट इज़ गोइंग अगेंस्ट हिम, वो सहन नहीं कर सके क्योंकि उसका करेक्टर है, बिहेवियर है, इट इज़ जस्ट इंटरसेक्टिंग माई स्पीच, हमारा कथा उसका अगेंस्ट में जा रहा है, लेकिन हम उसका शत्रु नहीं हैं, हम उसका शत्रु नहीं। डॉक्टर जी जब छुरी पकड़ते हैं, जिसको ऑपरेशन करते हैं, दर्द तो जरूर होते हैं, काटते हैं, खून भी निकालते हैं, लेकिन डॉक्टर का कोई ऐसा मोटिव नहीं है उसको चाकू चला के मार दो। एक चाकू डाकू का हाथ में रहे तो वो बड़ा डेंजरस है कि उसके द्वारा वो खून खराब कर सकता, लूट मार कर सकता, लेकिन वही छुरी अगर कोई डॉक्टर का हाथ में, वैद्य का हाथ में आए तो उसका सही इस्तेमाल हो जाए, जिनके द्वारा कई जीवों का उद्धार हो सकता, माने उद्धार मतलब उसका शरीर बच सकता है, प्राण बच सकता है, यही तो बात है। इसलिए एक्चुअली सौत पंथा में अवस्थित होने का मतलब भगवत प्राप्ति होना,
जरूर। सौतपंथा में जो नहीं है बहुत सुंदर प्रवचन कर सकता है, ये प्रवचन के द्वारा भगवत प्राप्ति हो नहीं सकता, और श्रवण के द्वारा श्रवण को भगवत कथा को जिंदगी में सुनो, अपना जिंदगी में वो कथा को पालन करो, हर हालत में कथा को अपना जिंदगी जीवन जिंदगी में ग्रहण करो, अगर कर सको तो आपको भगवत प्राप्ति निश्चित है। नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहु न सूते न, ये जो बताया उपनिषद में नायम न अयम आत्मा, नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहु न सूते न, ये आत्मवस्तु प्रवचन के द्वारा मिलता नहीं। नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया, बहुत वेरी इंटेलिजेंस सर्फ इंटेलिजेंस या बुद्धि है, होगा नहीं। नायमात्मा प्रवचन लोभ नो मेधाया न बहु न सुते नो, बहु हमने सुति सीति सब सुना, लेकिन वो प्रवचन के द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकता है जो प्रवचन सुनने का पहले हमारा गुरुचरण में शरणागति सिद्ध हुआ है। मेरा बात समझा नहीं? नायमात्मा प्रवचन अनुभव ये जो है प्रवचन के द्वारा तो ठाकुर मिलता है, आपने बोला हम हैं, यहाँ क्यों बोला ऐसा, बोले ये बोलने का मतलब है जो प्रवचन सुन रहे हैं लेकिन गुरुचरण में अपना जीवन जिंदगी को दिया नहीं, अतः शरणागत नहीं हुआ। अशरणागत व्यक्ति का जो श्रवण कीर्तन का बहाना है इसके द्वारा दे कैन नॉट गेट परफेक्ट रिजल्ट, फॉलो माई पॉइंट। अशरणागत व्यक्ति का जो श्रवण कीर्तन का बहाना है वो कीर्तन भी कर रहा है श्रवण भी कर रहा है बट नॉट फ्रॉम हार्ट, दे आर नॉट एट ऑल इंक्लाइंड, वो लोग शरणागत नहीं है। अशरणागत अशरणागत व्यक्ति का जो सुवन श्रवण कीर्तन का बहाना इसके द्वारा परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल सकता, इसलिए ये बोला जो नायम आत्मा प्रवचन अनुभव। लेकिन ये बात हर हालत में सच्चा है, गुरुचरण में पूर्ण शरणागत व्यक्ति श्रवण कीर्तन के द्वारा ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं का होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसमें जो जीव गोस्वामी पाद जी ने सुंदर बताए हैं ये अधकृत अक्षज ज्ञानम, तुम्हारा जितना मेटेरियल नॉलेज है मेटेरियल पावर है सारे को ठाकुर जी एक लात लगा के नीचे फेंक दिया, इसके द्वारा हमारा प्राप्ति संभव नहीं है। अधकृत अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रिय ज्ञानम, तुम्हारा जैसा सेंस ऑर्गन के द्वारा अनुभव होने वाला जो नॉलेज है सब कुछ है इसके ठाकुर जी फेंक दिया, बोले इसके द्वारा तू हमको प्राप्त नहीं कर सकता। तो कैसे, बोले अप्राकृत ज्ञान का जरूरी है सेवा, और सेवा भाव अगर नहीं है तो सेवा भाव नहीं है तो भक्ति हो नहीं सकता, क्योंकि ठाकुर जी बोला तुम्हारा तत्वज्ञान का प्राप्ति तभी संभव है जब थ्री कंडीशन फुलफिल होता, तीन कंडीशन, वो तीन कंडीशन क्या है, तद्विधि पुनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिणः, तत्वदर्शी व्यक्ति जो महापुरुष लोग है संत महात्मा लोग है हर हालत में तुमको पूरा कृपा करना चाहता है, ये तो मजबूरी है जो तुम लेने के लिए तैयार नहीं है, इट इज़ योर फॉल्ट योर वीकनेस दैट यू कैन नॉट स्टैंड, सहन नहीं कर सकते इतना सच्चा प्रवचन, इसलिए ऐसा है। तो प्रभुपाद जी बड़ा दुख के साथ बताएं जे कोई अप्राकृत भगवान का अधखज भगवान का सेवा नहीं करना चाहता है लेकिन बिना बुलाए बिना पूछे माया का सेवा तो जरूर कर दे, माया का सेवा बिना बुलाए भी कर देगा, जरूर कर देगा, ये तो एक तो आश्चर्य प्रभाव है माया जी का, माया देवी का प्रभाव है। अभी प्रहलाद महाराज जी जितना सारे दोस्त लोग हैं स्कूल में अपना विद्यालय में पाठशाला में गुरु गृह में गुरुजी संडो एवं अमर को दोनों बाहर गए हुए हैं किसी काम पे और विद्यालय खाली है, खाली मतलब कोई टीचर नहीं है, अब इसी अवसर है
इज कॉल्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस अवसर पे प्रह्लाद महाराज का इतना प्रभाव है, देखना भक्ति जिसका अंदर में है उसका प्रभाव बहुत है। प्रह्लाद महाराज जी का सामने जितना सारे असुर बालक लोग सब आके बैठ गया, छोटे छोटे बालक अपना खेल कूद, बच्चा का तो ये प्यारा है खेला खेला जो सब छोड़ दिया और खेल कूद छोड़ कर प्रह्लाद महाराज जी को घेर कर बैठ गया। अब प्रह्लाद महाराज जी को घेर कर बैठ गया, अब प्रह्लाद महाराज जी अपना जिंदगी का जो अनुभव है सारे बताते चले। इसका नाम है प्रह्लाद महाराज का शिक्षा, प्रह्लाद महाराज का उपदेश, प्रह्लाद महाराज का शिक्षा इसी से आ रहा है। अब प्रह्लाद महाराज जी असुर बालकों को बोल रहे हैं, दोस्तों मेरा बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बता रहे जो जिसके शुरू किया था, शुरुआत किया था। प्रह्लाद महाराज कह रहे हे दोस्तों मेरा बात ध्यान से सुनना, सुखम इंद्रियकम दैत्या देहो योगेन देहिनम सर्वत्र लभ्यते अस्मात् यथा दुःखम अजत्नतः। हे दोस्तों तुम क्या दुख मांगते हो अपना जिंदगी में, बोलते हो हे दुख मेरा पास आ जा, बोलते हो कभी? प्रह्लाद महाराज कह रहे हैं कि दोस्तों ध्यान देना मेरा बात पर, जैसे दुख बिना बुलाए आ जाते हैं आपके जिंदगी में, आप बुलाते नहीं हो और सुख को बुलाते हो। तमाम ये दुनिया का जितना सा क्रियाकर्म है, एक्टिविटीज है, साइकियाट्रिस्ट जितना साइकोलॉजिस्ट है वो लोग विचार करके देखा है और शास्त्रों में तो पहले ही बताया हुआ है, दे ऑल ट्राई टू गेट सम फैसिलिटी एंजॉयमेंट। व्हाई दे आर पुटिंग सो मच एनर्जी, इतना परिश्रम, इतना श्रम, बुद्धि विवेक क्यों लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है? बोले ये लोग का इच्छा है सुख प्राप्ति हो जाए और दुख का नाश हो जाए, सुख का प्राप्ति और दुख का नाश, ये वाइटल टू पॉइंट्स। इसका पीछे तमाम दुनिया वर्ल्ड में जितना सारे लाखों करोड़ों करोड़ों आदमी है, 800 करोड़ों है कि 900 करोड़ों है, मैं जानता नहीं, मैं अखबार पढ़ता नहीं, कनेक्शन नहीं है मेरा दुनिया के साथ, लेकिन ये सारे जितना दुनिया का आदमी है सबको पूछो तेरा टारगेट क्या है, क्यों कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है? बोले महाराज पढ़ाई करे नौकरी मिलेगा, उसके बाद इनकम होगा, फिर शादी करे एंजॉयमेंट होगा, दैट इज द अल्टीमेट टारगेट। इसमें भक्त लोगों का विचार अलग है, क्योंकि भक्त लोगों जो वास्तव साधु महात्मा हैं, दुनिया का आदमी जिसका पीछे दौड़ रहा है एंजॉयमेंट मानता है, साधु महात्मा इस विषय में चुपचाप रहते हैं, कुछ बात बोलते नहीं। क्या बोले? जानी सा सर्वभूतानाम तस्सम जागृति संयमी, जस्सम जागृति भूतानी स्वानी सा पश्यतो मुने। जिस विषय में एंजॉयमेंट का विषय में, माल कमाई का विषय में, एजुकेशन मटेरियल चीज़ों में दुनिया का आदमी बड़ा होशियार रहते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, गुरु वैष्णव को बोखा बनाना चाहते हैं, वो उसका हजारों आंखें है, सब देख सकता है किसका अंदर में क्या है, फिर भी बोखा बनाने का कोशिश कर रहा है, वो हंसते हैं, सब जानते हैं कौन क्या चाहता है, क्या हुआ है नहीं हुआ सब जानते हैं। गीता में भगवान बताए तो देखो दुनियादारी का विषय में जड़ जगत का आदमी बड़ा होशियार है, होशियार मतलब सजाग, सदा टकटकी लगा कर देख रहे क्या मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, एकदम अपना हिसाब हिस्सा को एकदम छानबीन कर कैलकुलेशन करके लेने वाला है, इतना होशियार है। लेकिन पारमार्थिक विषय आत्ममंगल के बारे में दे आर ऑलमोस्ट ब्लाइंड, फॉलो माई पॉइंट। इसी बात को भगवान बताए, जानी सा सर्वभूतानाम तस्सम जागृति संयमी, संयमी मतलब साधु महात्मा लोग इस विषय में सजाग रहता है, साधु महात्मा लोग जड़ जगत का विषय में वो संत महात्मा कुछ देखते ही नहीं, जो मरने जाए दुनिया कुछ बोलते नहीं, मतलब जिस विषय में वो लोग सजाग है जागृत है
जिस विषय में जड़ जगत का आदमी पूरा जग रहा है, हमारा हिसाब हम तोल कर ले लेंगे, उस विषय में संत महात्मा चुपचाप है, आंखों मूंद के बजे किसका पीछे दौड़ रहा है, छागल पट्टा, कुछ नहीं बोलते। और जिस विषय में वो लोग बिल्कुल सोया हुआ है नींद जैसा, वो क्या है, आत्ममंगल का विषय में दे आर नॉट एट ऑल अलर्ट, सजाग नहीं है, सचेत नहीं है, बिल्कुल सोया हुआ। उस विषय में साधु महात्मा एकदम टक्ट, जब सब दुनिया का आदमी सो रहा है तो संत महात्मा दो अढ़ाई तीन बजे जग जाए, जाके भजन शुरू करे, चाहे वो नौ बजे तक सोए रहे, दस बजे तक। असुर जित असुर लोग जितना सोए रहे उतना ही अच्छा है, अमंगल कम होगा, है ना, अच्छा है सोए। बॉम्बे में भी ऐसा है, बारह बजे एक बजे सोएगा और उठेगा दस बजे। जब उसकी बचपन में पढ़ा था ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन वाइज, आ शास्त्रों का विचार, वो तो मिलेच्छ देश है, वहाँ भी ऐसा बताया, देखो वो भी चालू है। और हमारा शास्त्र में बताया जो उल्लू का पट्टा सूर्य उदय का बाद जागते हैं उसका ज्ञान कभी नहीं परिस्फुट होगा, कभी ज्ञानी नहीं बनेगा। मटेरियली एंजॉयमेंट कैन बी देयर, वो बुद्धि हो सकता, लेकिन अपराकृत बुद्धि का विकास कभी नहीं। सूर्य ज्ञान का प्रतीक, सूर्य उदय का पहले जागना पड़ेगा। जो भी है, इधर कहने का मतलब है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सारे असुर बालकों को, दोस्तों सुनो, सुखम इंद्रिय कम द्वैत्या देहो योगे न देही नम सर्वत्र लभ्यति यस्मात् यथा दुःखम अयत्नतः। हे दोस्तों, जैसे दुख बिना बुलाए तुम्हारा पास आ जाते हैं, दुख को तो बुलाते नहीं, हो गया किसका बीमार हो गया, कोई किसी का पिता मर गया, किसी का बच्चा चला गया और रोते रोते परेशान हो गए बेचारे, दुनिया का ऐसे ही हालत है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि देखो, सुखम इंद्रिय कम दैत्या देहो योगे न दे, ये शरीर जब पकड़ा है, जब ये जड़ शरीर मटेरियल शरीर आपको मिला है तो जरूर समझ लेना अपना पूर्व कर्म फल के अनुसार आपको सुख एवं दुख मिलते रहेगा, इसके लिए प्रयास प्रचेष्टा का कोई जरूरी है नहीं। पूर्व कर्म फल के अनुसार जैसा करनी ऐसा भरनी है, आपको जैसे कर्म फल है कर्मफल का अनुसार आपका एंजॉयमेंट आएगा, कर्मफल का अनुसार आपका एंजॉयमेंट आते रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बोलने जाए तो समय नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले, तमाम मैं एकदम छोटा स्कूल का, उस समय में अखबार में आया था कलकत्ता में टालीगंज साउथ टालीगंज में किसी जो बार बार है ना चूल काटते हैं नाई, उसको 1 करोड़ रुपया मिला, कैसे प्राइज में लॉटरी में। अब ये बताओ, जो बेचारा जिंदगी भी चूल काटते काटते परेशान हो गया, अपना रोजी रोजगार बनाने के लिए असमर्थ था, उसका 1 करोड़ रुपया मिल गया। अब तुम कहोगे महाराज ये कैसे मिल गया, बोले पहले जन्म का कुछ बाकी था, ड्यू था, वो ठाकुर जी दे दिए जा, वो ऐसे ही चलते रहता है। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, ऐसा तुम्हारा जब शरीर तुमने पकड़ा है, ये शरीर स्थूल शरीर, ये पकड़ने का मतलब ही ये है कि तुम्हारा कुछ भोग एंजॉयमेंट बाकी है, दुख और सुख, इसीलिए शरीर दिया गया। ये जो मटेरियल शरीर दिया गया तुमको, ये मटेरियल शरीर, जड़ शरीर जो दिया गया, इसका पीछे यही रहस्य है कि तुम्हारा कुछ कर्म फल को भोगना है। चाहे कर्म फल मतलब थोड़ा अच्छा भी हो सकता है, बुरा तुम्हारा जो विचार है वो। दुख और सुख भोगने के लिए मोटा शरीर चाहिए, इसलिए शरीर दिया गया। और हे दोस्तों, जैसे दुख तुम दुख तुम लोगों का जिंदगी में दुख कभी बुलाते नहीं हो, दुख आ जाओ फिर भी आते हैं, और सुख भी तुम्हारा जिंदगी में ऐसे
आ जाएगा, बस नॉर्मल प्रयास प्रचेष्टा, नॉर्मल नॉर्मल मतलब स्वाभाविक प्रयास प्रचेष्टा करो, इसके लिए आ जाएगा। अभी अधक्ष जो वस्तु का जो विषय है चर्चा हो रहा है पिछले कई दिनों में, कई दिनों से, अधक्ष जो वस्तु मतलब जो प्रकृति के परे हैं, हरि ही हरिर् ही निर्गुणो साक्षात पुरुषः प्रकृति परे है, हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुषः प्रकृति परे है। हरि ये प्रकृति का अंदर का कोई विषय नहीं है, 14 वर्ल्ड 14 भवन का विषय हरि नहीं है, 14 भवन का अंदर जो मैट जो विषय है तुम्हारा कब्जा में, 14 भवन का इस विषय में हरि नहीं है, फिर भी हरि हर्वत्व है, जत्सात सर्वत्र सर्वदा, हरि सब जगह में है फिर भी नहीं है। यही तो अचिंत अभिदवे तत्व का रहस्य है, कभी सुयोग मिले तो चर्चा करेंगे। अचिंत अभिदवे तत्व एकदम सीक्रेट चीज़, जिसका ऊपर चैतन्य महाप्रभु चारों संप्रदाय का जो जो अलग अलग विचार था उसको पूरा मिला दिया महाप्रभु। निम्बार्को माध्वाचार्य जो विष्णु स्वामी जो है ना, माध्वाचार्य जो रामानुज सारे चार संप्रदाय का थोड़ा थोड़ा डिस्पैरिटी था, अलग अलग सा विचार थोड़ा थोड़ा, महाप्रभु जो अचिंत भेदाभेद तत्वों को सामने रख दिया, रख के ही जो चारों आचार्यों का जो मत वैशिष्ट है थोड़ा पार्थक्य है इसको एकदम रिकॉन्साइल कर दिया। इसको मान लो तो चार संप्रदाय का सारे जो व्याख्या है सारे एक ही में स्ट्रीम में आ जाएगा। वो अचिंत भेदाभेद तत्व चैतन्य महाप्रभु का, कभी आपका योग्यता हो कभी समय मिले तो हम जरूर कहेंगे, कहने का इच्छा तो है ही है, लेकिन परिवेश जो है कैन नॉट परमिट मी टू स्पीक ओपनली, हम रिजर्व हो जाता आप लोगों के सामने कथा बोले कि कहाँ बोले, जगह नहीं है। अब काल पिछले कई दिनों से ये चर्चा हो रहा था, प्रहलाद महाराज जी द्वादश महाजनों में एक महाजन है प्रहलाद महाराज जी, सांभूर नारदो शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद भीष्मो जनको बलिर वैयास किर वयम द्वादशैते वियानीमो धर्मम भगवतम भटा गुह्यम विशुद्ध्यम जुर्वध्यम यद्यथ्या अमृतम अश्नुते। वही बात पर आ गया ना, यमराज जी महाराज द्वादश महाजनों में एक जन बोल रहे सायंगभूर नारदो, सायंगभूर मैंने है ब्रह्मा, सायंगभूर नारदो शंभु कुमार कपिलो मुनु सब जो द्वादश महाजन है, हम लोग भागवत तत्व विज्ञान को जानते हैं, ठाकुर जी का ये कृपा अहंकार के द्वारा बोल नहीं रहा है, यमराज जी महाराज हम ये द्वादश महाजन जो है ये भागवत तत्व विज्ञान का गहरा रहस्य जानता हूँ। और यज्ञात्या जो जानने का बाद कोई महापुरुष का कृपा हो गया हमारा जिंदगी में ये तत्व विज्ञान सिद्ध हो गया प्राप्त हो गया, तो यूं समझ लो कि प्रहलाद महाराज कहें क्या होगा फिर, बोले यज्ञात्या यज्ञात्या जो जानने का बाद, जो जानने का बाद जो तत्व विज्ञान जानने का बाद अनुभव सहरस्य अनुभव के द्वारा जानने का बाद यद्ज्ञात्या अमृतम अश्नुते, अमृतम अश्नुते मश्नुते संस्कृत शब्द खाना पाना, अमृत अमृत खाते रहोगे अमृत पीते रहोगे यद्ज्ञात्या अमृतम अश्नुते। और वो कैसा है वो भगवत तत्व विज्ञान जो महाजन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हमको उपदेश कर रहे हैं वो कैसा है, बजे जत ज्ञात अमृतम अश्नुते। और उसका पहले बताया उसका लक्षण क्या है, भजन गुह्यम विशुद्ध्यम दुर्बोध्यम, तीन विशेषण लगाया गया। गुह्यम बहुत सीक्रेट चीज है, बहुत दुनिया में अगर सबसे बड़ा सीक्रेट चीज है वो तत्व विज्ञान आत्मज्ञान, इसका बढ़कर और तत्व सीक्रेट कुछ नहीं है, इसलिए गुह्यम। उसका बात बता गुह्य तो है ही है, लेकिन ठाकुर जी का ऐसा अवस्था है अगर कई गुरु वैष्णव का पक्का गुरु वैष्णव का कृपा मिले तो हो सकता,
इसलिए मिलेगा नहीं, ऐसा भी बात नहीं। गुह्यम इसलिए बताया कि हर हालत में नहीं मिलने वाला, फिर भी मिलने वाला, इसलिए गुह्यम विशुद्धम, एकदम विशुद्ध है, एक कोई कंटामिनेशन नहीं है। गुह्यम विशुद्धम, इससे बढ़कर भगवान गीता ने बताया नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी हविद्यते। भगवान बताया नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी हविद्यते, भगवान गीता में बताया। और ठाकुर जी बोला इधर जमराज जी महाराज कह रहे हैं गुह्यम विशुद्धम दुर्बोध्यम, एम्बिग्यूटी उसका इतना कॉम्प्लिकेशन है, तुम्हारा सामने बोला भी है तुम देखते रहोगे क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे, समझा। गुह्यम विशुद्धम अदुर्वध्यम, दुर्वध्यम ने बियॉन्ड ह्यूमन कंप्रिहेंशन, दुर्वध्यम मीन बियॉन्ड ह्यूमन कंप्रिहेंशन, जिसको बारे में हम दो दिन पहले बोला था लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ, बताया था ना, यही बात को आया जमराज जी महाराज का कहना है। अब हमारा महाजनों में प्रहलाद महाराज का स्थान बहुत ऊंचा है द्वादश महाजनों में, और प्रहलाद महाराज बार बार कह रहे हैं कि मेरा हालत था नृसिंह जी ऐसा है ठाकुर जी कि आपका बिना का आपका अप्राकृत कथा कीर्तन अर्थात शब्द ब्रह्मों का सहारा लिए बिना कोई तो जगत जा नहीं सकता, अब मेरा बुद्धि खराब हो गया, मेरा मन भी खराब है, सब कुछ खराब है, काम क्रोध लोभ मोह सब मेरे को एकदम फाड़ चीर कर दिया, और मैं आपका पास कैसे जाऊं बताओ। कथम तब गतिम बिमिस स्वामी दीन, दीन मतलब दीनहीन पतित है, प्रहलाद महाराज पतित नहीं है, ये सब उदैन्य है, हम दीनहीन पतित है ठाकुर जी, इसी हालत में काम क्रोधों का चक्कर में मैं पीस के एकदम बेसहारा बनकर पड़ा हुआ हूँ ये जड़ जगत ये भव सागर में, अब हमको कैसे उठाओगे आप। कथम तब गतिम बिमिस्सामी दीन, हम दीन हैं, आपका पदवी जो है आपका अन्वेषण आपका रास्ते पे जाने का प्रयास कैसे मैं करूं, रास्ता तो एक ही है श्रवण कीर्तन के बिना तो कुछ होता नहीं। तो ये द्वादश महाजनों में जो जिसका नाम आता है प्रहलाद महाराज जी भरपूर अनुमोदन किया सौतपंथा है ना हरि कथा हरि कीर्तन, और काल भी चर्चा करते करते इस पॉइंट पर आया था हरि कथा कीर्तन क्या आसमान में घूमते रहेंगे, हरि कथा कीर्तन तो संत महात्मा का हृदय में भरपूर रहता है। जब बाढ़ आ जाता है नदी पे, जैसे बाढ़ जाता है नदी क्या करता है पानी को खुल्ला खुल्ला छोड़ देते हैं, चारों ओर बार जाके पानी पानी हो जाता है। संत महात्मा का हृदय में प्रेम के द्वारा ठाकुर जी अवरुद्ध है, अवरुद्ध है ना, संत महात्मा का इतना हिम्मत है ठाकुर जी जिसको किसी भी हालत से कोई प्राप्त नहीं कर सकता, और संत महात्मा का इतना हिम्मत है ठाकुर जी को हृदय में बैठा दिया और लॉक कर दिया, बोले बाहर निकालो मत, कितना हिम्मत है देखो, यही तो बात है ना, बात तो यही है। ठाकुर जी खुद बताया संतो महात्मा के सामने हम बिक्री कर दिया आपने को, अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इवो दीजो, बताया ना अम्बरीश का उपाखान सुनना कभी तकदीर अच्छा है तो सुनते चलोगे, नहीं तो बंद हो जाएगा, कहाँ सुनेगे कैसे सुनोगे। भागवत कथा सुनने का पहले ही एक बात कभी नहीं बताएगा कोई जिंदगी में, जितना भागवत वक्ता है एक बात नहीं बताएगा कि नारद जी को भागवत कथा बोलने का पहले ब्रह्मा जी ने आदेश किया है ऐसे भागवत कथा बोलना जैसे जगतवासी का मंगल हो जाए भक्ति प्राप्त हो जाए, ये बात कोई नहीं बोलेगा, ये बात को एकदम बोलेगा नहीं कोई, इसमें नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट है। ब्रह्मा जी ने आदेश किया नारद जी को ऐसे ठाकुर जी का कथा बोलना है आचरण के द्वारा, जैसे भावे 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 भक्ति, जैसे आपका चरण में भक्ति बन जाए,
इसीलिए भागवत प्रवचन करना है। भागवत प्रवचन तुम्हारा म्यूजिक और एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, पैसा प्राप्त हो जाए, कुत्ता बिल्ली जन्म मिलेगा। लिखा है जो भागवत को, भागवत प्रवचन को अपना जीवन जिंदगी का इनकम मान लिया, उसका मापिक बड़ा कुत्ता जिंदगी में कोई नहीं है, सबसे बड़ा कुत्ता तो वही है। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, शास्त्र का खोल के दिखा दूँ, प्रमाण है। ये रोजी रोजगार का विषय नहीं है। संत महात्मा जगत का मंगल के लिए विचरण करते हैं, अवसर मिले तो बोल देते हैं खुल्ला खुल्ला, नहीं तो चुप हो जाते हैं। कथा बंद कर दो चुप हो कर हरिनाम करेंगे, और अवसर मिले तो बोलेंगे। ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा का कोई बात है ही नहीं। कोई इंटरेस्ट है तब तो लड़ाई होगा, इंटरेस्ट है नहीं तो कहाँ लड़े। तो ये जो प्रहलाद महाराज खुल्ला में खुल्ला बता दिया कि स्रोत पंथा के द्वारा ही तुम्हारा मंगल होने वाला है, यही तो बताया पहले दिन का जब शुरू किया था, यही बताया था। अब मेरा प्रश्न ये है, ये स्रोत पंथा कैसे कैसे चलता है? जैसे नदी, गंगा नदी, गंगा जी माँ, गंगा जी गंगोत्री में उतारी आई और चलते रही। ये हरि कथा का मंदाकिनी कहाँ मिले? बोले महाराज संत महात्मा का पास जाओ, जो वास्तव स्रोत पंथा में अवस्थित है उसका पास जाओ, वो संत महात्मा, उसका जबान पे हरि कथा मंदाकिनी प्रवाह चलती रहती है, चलती रहती है। शिव जाओ, कब निष्कपट भाव से जाओ, शरणागत होके बताओ, वो बोलना शुरू कर देंगे। आज ठाकुर जी का बारे में ये बताया, ठाकुर जी बोले अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र ही बदु, हमारा कोई पर्सनल कोई ख्वाहिश नहीं है, हम टोटली अधीन है भक्त का अधीन। अरे महाराज भागवत का पहला स्कंद में जो पहला श्लोक है, यन्मादस्तु यतो अन्मयाद इतरा शर्त सभीज्ञ सारा, अरे महाराज उधर बताओ, उधर आप लिखा हुआ है सभीज्ञ सराठ है, आप इधर बोल रहे हो आपका कोई स्वतंत्रता नहीं है, कैसा कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट। भागवत का जो पहला स्कंदों का जो पहला श्लोक है, प्रथम स्कंदों का प्रथम श्लोक यही तो, जन्मादस्सु यतोन्मयात इतराश्चार तो सविज्ञ सराड हो, ये जो सविज्ञ सराड बताया आपका बारे में। बोला हाँ ठीक है, फिर भी आप जो बोल रहे हैं तो इधर बोल रहे हैं अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र, दोनों कैसे मिलेगा? ठाकुर जी हाँ, ठाकुर जी का विषय में अदक्ष जो वस्तु भगवान का विषय में दोनों कन्फ्लिक्टिंग विषय समाधान हो जाता। मेरा बात समझाने, बहुत देर की बात है, कितना दिनों दिनों से सुनोगे, कितना दिनों तक सुनोगे असली प्रवचन, उसके बाद मेरा ये विचार आपका समझ में आने वाला। बहुत कठोर सिद्धांत सुनते रहोगे, नहीं तो नया सुन रहे हो। अब हम कैसे बताए, जितना बातें समय खराब होगा, पीछे जाना पड़ेगा हमको। शास्त्र का ये विचार है, ठाकुर जी ने बताए शास्त्र, तमाम शास्त्र का ये विचार है, ये जिंदगी में ये जगत में जो नेगेटिव एवं पॉजिटिव पॉइंट मिल नहीं सकता, दोनों विरुद्ध विषय। मेरा बात समझा, अब इधर हो आप घर में कैसे हो सकते? अरे महाराज हम इधर है वो घर में नहीं हो सकते, विरुद्ध विषय है ना। जब हम मंदिर में हैं तो घर में जरूर नहीं है, घर में हैं तो इधर नहीं है, वो ना। लेकिन ठाकुर जी का विषय में जो यदि बोलने जाओ, बोले होगा नहीं, ठाकुर जी में नेगेटिव नहीं आता है। दो कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट, विरुद्ध विषय। एकमात्र अधक्ष जो भगवान में वेरी नाइसली गेट एडजस्टेड, दोनों कन्फ्लिक्टिंग विषय अधक्ष जो भगवान का विषय बारे में सारे मिलता रहता है, मिलता है सुंदर मिल जाता है, उसमें कोई डेस्परेटी नहीं रहता, कोई तक किसी विरोध नहीं रहता। मेरा बात समझा। एक और उदाहरण दे दे, भगवान अक्षय वस्तु है, अक्षय अव्यय है, अव्यय मतलब जिसका कोई व्यय नहीं है, अव्यय जन्य व्ययति इति अव्यय, संस्कृत व्याकरण किया ना, बांग्ला जो भी आपका, जिसका व्यय नहीं है वो अव्यय है, भगवान अव्यय है।
भगवान का कोई जन्म नहीं है, जन्म है अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अरे महाराज तू तो जन्म बताया, जन्माष्टमी पालन करते हैं ना मंदिर में, तो क्यों बोल रहे जन्म नहीं है। अरे हाँ, भगवान का बारे में दोनों सच्चा है, एक तो जन्म नहीं है ठाकुर जी का और दूसरा है जन्म लेते भी है, वो कैसे है। बोला हाँ, वेरी नाइसली ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट यू कैन फाइंड भगवान के विषय में ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट हो जाता है, लेकिन और कोई जगत का विषय में एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। समझा मेरा बात, जगत का विषय में ऐसा एडजस्टमेंट संभव नहीं, से एकमात्र भगवान का विषय में संभव। जो जन्म नहीं है फिर भी जन्म लेता है ना, ये सब जो दो विरोधी विषय है, एकमात्र अधक्ष जो भगवान में समा जाता है, एडजस्ट बहुत सुंदर एडजस्टमेंट हो जाता है, रिकॉन्साइल हो जाता है, लेकिन जड़ जगत में कभी नहीं हो पाता। तो जब भगवान का बारे में है, भगवत का भगवत जी महापुराण में जो पहला स्कंद का पहला श्लोक जन्म आदर्श हुई है, तो जो बताया सभीज्ञ शरण, वो क्या हुआ तो फिर यह देखा सभीज्ञ शरण। और सभीज्ञ हो मतलब बाहर से कोई आदमी आपको बुद्धि दे ज्ञान दे, ये संभव नहीं, संभव है, संभव है क्या? भगवान सब जानते हैं अनंत ब्रह्मांड में कहाँ कुछ। अरे फिर भी तो गुरु गृह में जाता है, बोलो क्या बात है। चैतन्य महाप्रभु जाता है गुरु का साफ शिक्षा लेने के लिए, कृष्ण भगवान जाता है शिक्षा लेने के लिए, कहाँ जाता नहीं, उज्जैनी में गया गुरु का पास, चैतन्य महाप्रभु गया ना विद्या लेने के लिए। कैसे संभव है, सभी संभव है। जिसको बाहर से कोई ज्ञान दे दे ये संभव नहीं, ही हिमसेल्फ कंप्लीट, पूर्ण जगत का बारे में जरा सा भी कंसेप्शन आप लोगों का अंदर में नहीं, इसलिए मैं दुखी बन जा रहा। हजारों जगह मैं जाता नहीं, बहुत सिलेक्टेड, क्योंकि ये लोग का आइडिया ही नहीं है, बेसिक चीज ही नहीं है। पूर्ण जगत का बारे में जरा सा भी कंसेप्शन नहीं है आप लोगों का हृदय में, चाहे कुछ भी हरिनाम करो, मठ में आओ, एकादशी पालन कुछ भी करो, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम किसी को चीट करने वाला नहीं है। किसी का अंदर में हम देखा नहीं ये अपराकृत जगत का विषय में थोड़ा राइट कंसेप्ट पॉजिटिव कंसेप्शन है, हमने आज तक देखा नहीं है, नहीं। पूर्ण जगत का बारे में सारे अभाव है, पूर्ण जगत का बने कंसेप्शन नहीं है। पूर्ण जगत का कंसेप्शन बताने गया तो काल ना परसु क्या बोला, गोलोक धाम का एक धूलिकण भी है वो भी पूर्ण है। पूर्ण जगत का कोई भी वस्तु पूर्ण है, और ई जगत का जितना भी वस्तु है, जितना धन दौलत है, जितना विद्या, तभी भी अभाव है, इट इज नॉट कंप्लीट। बोला था ना, भूल गया ना आप लोग, पूर्ण जगत का एक धूलिकण जो है वो भी इट्सेल्फ कंप्लीट। क्यों? पूर्ण जगत का महिमा ही ऐसा है, पूर्ण जगत का कुछ भी चीज पूर्ण है। मेरा बात समझा नहीं? पूर्ण जगत का कुछ भी चीज बताओ और सब इट्सेल्फ कंप्लीट पूर्ण है। पूर्ण जगत का किसी भी वस्तु हाफ नहीं है, आधा नहीं है, पूर्ण। और उपनिषद में बताया पूर्ण सपूर्ण मादायो पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण चला जाए तो पूर्ण रेसिड्यू, ये जगत में ये हिसाब नहीं होता। तुम्हारा पास 5 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध रखे हो ठाकुर जी का सेवा में, 1 लीटर दे दिया, 2 लीटर दे दिया, तो बाकी 2 लीटर चला गया, 3 लीटर है। लेकिन पूर्ण जगत में ऐसा नहीं, पूर्ण जगत में गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत जी महाराज आया है गोलोक वृंदावन से, गोलोक वृंदावन फिर भी गोवर्धन है, जमुना नदी उधर से आई है फिर भी गोलोक में जाओ वो भी है, हमारा भौम वृंदावन भी है। मेरा बात समझा नहीं? पूर्ण जगत का ये कंसेप्शन है। अब ये प्रश्न आता है, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, जिसका बारे में क्लियर कर रहे हैं कि संत महात्मा के हृदय में भगवान रहते हैं, मतलब भगवान का वाणी रहते हैं,
भगवान रहते मैंने भगवान का वाणी भी रहते हैं, भगवान का वाणी और भगवान तो अलग नहीं है, जो भगवान का वाणी है वही भगवान है ना। शब्द ब्रह्म का स्वाद ब्रह्म वस्तु का कोई डिफरेंस है नहीं, वन एंड द सेम, वन एंड द सेम, एक ही है। तो भगवान रहते हैं मतलब भगवान का वाणी रहते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी नृत्य करते हैं। प्रहलाद महाराज के बारे में रुदती रोती है ना लिखा हुआ है, नित्यति लोकवाह्य लिखा हुआ है। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि संत महात्मा का जवान पे जो अप्राकृत हरिकथा का मंदाकिनी प्रवाह चलते रहती है, वो कथा को सुनो, बाजार का कथा को मत सुनो, सौत पंथा के द्वारा जो कथा तुम्हारा आ रही है वो कथा को सुनो और सुन के भरपूर शक्ति को प्राप्त कर लो। अब ये प्रश्न आता है, काल पिछले दो दिन से मैंने थोड़ा टच किया, एक बात ये है कि हम कैसे हमको जानकारी मिले कि कहाँ सच्चा प्रवचन हो रहा है, हमको साइंटिफिक व्याख्या बताओ, हमारा सामने साइंटिफिक व्याख्या आप बताओ कि कैसे हम समझे, या नकली कथा चल रही है या असली कथा चल रहा है, कैसे। आज से 70-80 साल पहले भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के सामने कई भक्तों ने कोई मिलकर एक साथ प्रभुपाद जी के सामने ये क्वेश्चन खड़ा कर दिया था, प्रभुपाद आप अक्सर कहते हो कि इधर मत जाना उधर मत जाना, वास्तव हरिकथा में जाना। तो हम लोग कहाँ जाए, हम लोग तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए। वो बात कह रहे देखो कम से कम आप नामाभास जहाँ हो रहा है जा सकते हो, नामाभास भी जाना ठीक नहीं है, जहाँ नामापराध अक्सर दुनिया में जितना हरिकथा कीर्तन चल रहे है, भागवत सामने है मेरा, मैं मजबूर हूँ, मैं समालोचक नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, ये शास्त्रों का विचार है। ज़्यादातर सब क्या होता है वो नाम अपराध कीर्तन, हरिकथा हो रहा है लेकिन हरि का चरण में हरिकथा का चरण में अपराध हो रहा है, क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट इज देयर, दे लाइक टू गेट समथिंग इट्स बेनिफिट। हमने पहला दिन बताया याद है ना, जीव गोस्वामी पाद जी ने बताए हर कोई को व्यासासन मत दो, बताया था ना जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में बताया, हर आदमी का लिए व्यासासन नहीं है तो फिर किसको दे महाराज। जीव गोस्वामी पाद बताएं देखो ये व्यासासन में बैठने वाला दो किस्म का होता है, बक्ता सराग निरागो दिविदो परिकीर्तिता, क्या बताया जीव गोस्वामी पाद, वर्ल्ड का टॉपमोस्ट, ब्रह्मांडों का टॉपमोस्ट फिलोसोफर दार्शनिक जीव गोस्वामी पाद। इसका कहना है, उपदेश दिया संदर्भ में, वक्ता सराग निराग दिविदो परिकीर्तिता। अब जानकारी कर लो, वक्ता दो किस्म का होता है, एक तो सराग होता है एक तो निराग होता है। सराग मतलब ही हैज सम इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट इज गोइंग टू स्पीक हरिकथा, हरिकथा बोल रहा है जरूर लेकिन अंदर में कामिनी कांचन प्रतिष्ठा का लालसा है, इसीलिए हरिकथा प्रवचन कर रहा है। और जीव को सिंह मना कर दिया इसका फल में हरिकथा मत सुनो, क्यों, उस दिन बताया था ना, अवैष्णव मुखद गिरम हरिकथामृतम सवनम नैव कर्तव्य सर्पच्छिष्ट यथापय, साप ने मुख लगाया खीर पर दूध पर, तो दूध तो पुष्टिकर है ही है लेकिन मुख लगाया साप, खाना नहीं मर जाओगे, जहर घोल गया है ना। ये हरिकथा का साथ साथ उसका अंतर में जो तक काम है, कामिनी कांचन के लिए लोभ है, सब हरि कथा का साथ घोल गया, घोल के आपका सामने आ गया आपका कानों में, तो यू थिंक इट इज हरि कथा बट इट इज वन काइंड ऑफ पॉइजन। आप सोच रहे हो हरि कथा सुन रहे महाराज बुलाया हरि कथा, बड़ा बुद्धिमान आप भी हो, जो कथा किया वो भी बुद्धिमान है, दोनों बराबर ही है, कोई असुविधा है नहीं, किसी का कोई विचार बनता ही नहीं। देखने में हरि कथा सुना लेकिन शास्त्र बोलते हैं तुमने जहर पान किया कानों से द्वारा, जब ही ना बोल रहा है
ये बात। तो कामिनी कांचन का जो लाभ लालच है अंदर में हरि कथा का साथ साथ वो घोल गया। जैसे हमारा गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के फोटो देखते हो ना पोपत का बाद, बाहर का आदमी जानते हैं ना गौर किशोर सिद्ध महात्मा महापुरुष। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का सामने किसी आदमी ने नवद्वीप का उधर किसी जगह हरि कथा हो रहा था और आया, आके महाराज को दंडवत किया। महाराज बोला कहाँ से आ रहे हो? महाराज नवद्वीप में उधर भ्रमर गीता बच रहा है, बहुत सुंदर प्रवचन महाराज, उधर से आ रहा हो। बाबा अंतर जामी है, उधर मत जाओ। अरे महाराज क्यों मत जाए? और कथा हो रहा है सुंदर, नहीं कथा हो रहा है? अरे कथा हो रहा है, इतना आदमी सब बैठा हुआ है सुन रहे, कथा नहीं हो रहा तो क्या? उधर मत जाओ, कथा नहीं हो रहा है। बाबा उधर भ्रमर गीता हो रहा है, कितना आदमी रो रहा है मिट्टी में एकदम रोलिंग डाउन ऑन ग्राउंड। बाबा बोले उधर मत जाओ, बार बार गाली दिया मत जाओ उधर। बोलो क्यों? बोलो हरि कथा नहीं हो रहा था उधर, मानी 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 टका 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 हो रहा था, देखने में भमर गीत, असली अंदर में टका टका जप हो रहा था, उधर मत जाओ। आज जिस जगह बैठ के बक्ता प्रवचन किया उधर का 20 हाथ मट्टी खोद के फेंक दो, वो दूषित हो गया। 20 हाथ मिट्टी को खोद लो, जहाँ बैठा था बक्ता खोद के वो फेंक दो, नया मट्टी गंगा से लाओ उसको फिल करो, नहीं तो दूषित हो गया हो जाएगा, वह मत जाओ। बोले महाराज वो जो रो रहा था वो प्रेम के द्वारा, प्रेम नहीं हो काम है, इट इज़ कॉल्ड पैसिव काम। गौर किशोर बाबा जी महाराज बोलो काम है प्रेम नहीं है, देखने में प्रेम है, बोले आंखों में आंसू आ रहा, बोले वो प्रेम नहीं है वो काम है, उसका अंदर में काम है, वो काम सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, वो भागवत कथा के स्वाद अपना जिंदगी में मिला लिया, मिला के रोने का बहाना किया, वह मत जाओ। इट इज़ वन काइंड ऑफ पैसिव काम। समझा मेरा बात? ये महापुरुषों का प्रवचन है। अब समझना नहीं समझना आपका तकदीर का खेल है, समझो ठाकुर जी की बाहो। तो इधर जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि जहां कम से कम नामाभास चल रहा है यू कैन गो एट लीस्ट देयर, आई डोंट वांट यू गो देयर बट स्टिल एट ऑल वांट टू गो देयर यू कैन गो। हमारा कहना नहीं कि उधर जाओ, अगर आप जाना ही चाहते हो मैं कैसे रुकूं, कम से कम जहां नामापराध नहीं कीर्तन हो रहा है नामाभास चल रहा है वहां जाओ। अब बाकी दुनिया में क्या हो रहा है? बोले सारे नामापराध हो रहा है, हरि कथा हरि कीर्तन का नाम पे सारे नाम अपराध चल रहा है। यू कैन नॉट फील इट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, सो फुलिश यू आर। पोपात का कहना है कि जब वास्तव हरि कथा है, नाम नामाभास नाम अपराध तीन चीज है, कभी समझोगे तो आपका तकदीर बदल जाएगा। पोपात जी ने बताया ये बात भी, मेरा ही वो परंपरा के अनुसार मेरा भी यही कहना है, कथा सुनने जाओ तो कम से कम जहाँ नाम अपराध नहीं हो रहा है कैसे अनुभव करोगे? ये तो आपको भजन करना पड़ेगा। आप अगर आपका सामने अगर मैं इतना रख दिया हीरा मुक्ता डायमंड, आप बोलेंगे आप ऑर्डिनरी आदमी हैं इतना नकली है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक ज्वेलरी मैन है जहरी, वो आके इतना सारे 50 पीस रख दिया उसमें से एक निकाल दिया, महाराज एक जेन्युइन है, वो जहरी है ना, जहरी आके बोल दिया महाराज ये इतना इतने है आपका सामने उसमें एक जेन्युइन है बाकी सब नकली है, समझ में नहीं है। तो आप अगर हमारा सामने प्रश्न करें हाउ आई कैन फील दैट ये नकली कथा है कि असली कथा है, दैट फॉर हमारा गुरुवर्ग का ये उपदेश है, यू विल हैव टू बी सिंसियर योर सेल्फ फर्स्ट। मेरा बात समझा नहीं? पहले तुम खुद निष्कपट बन जाओ, मेरा बात समझा नहीं? पहले तुम सिंसियर बन जाओ, निष्कपट बनो, उसका बाद हम उत्तर देंगे। तुम निष्कपट नहीं हो, जब निष्कपट हो जाओगे, जब गुरु वैष्णव का कृपा मिले, then you can realize yourself what is vastav harikatha, what is nakli harikatha।
यही मेरा उत्तर है अभी के लिए। बाकी भजन करते चलो निष्कपट रूप से, कभी इसका उत्तर मिल जाएगा। एक हरि कथा का शब्द कानों में जाने का बाद आपको लगता है कि आपका हृदय तोड़फोड़ हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपका हृदय में सारे अपसेट हो गया एक शब्द ब्रह्म के द्वारा, एकदम लाइट बुलेट फाटचिर हो गया। और एक प्रवचन हुआ 7-10 दिन 15 दिन 1 महीना, मगर कोई रिएक्शन भी नहीं है। हाँ थोड़ा इंजॉयमेंट हुआ, चलो घर चलो, समझा मेरा बात। सामान्य अगर कॉमन सेंस भी है, इतना मेटेरियल जगत में व्यस्त है ये लोगों का, ये फर्क समझ में नहीं आ रहा। ज़रा सा सिंसियर हो जाए तुरंत पता चलेगा ये कथा चल रही है, ये एक्चुअल कथा नहीं, ये नकली कथा। जीव को स्वयं जैसे सावधान कर दिया, वक्ता सरागो निरागो द्विविधो परिकीर्तिता। वक्ता दो किस्म का होता है, एक है कामना वासना प्रतिष्ठा है लेकर हरि कथा बोल रहे हैं, और एक प्रवचन हो रहा है जिसका पीछे तुम आओ नहीं आओ तो किसी फर्क नहीं पड़ता, अपना सौत पंथवा के द्वारा जो प्रवचन चल रहा है वो प्रवचन सुनो। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारे हमारा वीक पॉइंट जो है एक्सपोज हो जाता। जितना सारे आदमी हैं वो ये प्रवचन नहीं सुनना चाहता है जिस प्रवचन के द्वारा अपना हृदय का अंदर में जो गंदगी है वो एक्सपोज हो जाए। दे डोंट लाइक टू हियर दैट काइंड ऑफ हरिकथा। वो हरिकथा सुनना नहीं चाहता है जिसके द्वारा तुम्हारा बीमारी हट जाए। तुम्हारा अंदर में पैसा के लिए लालची है, तुम्हारा अंदर कामिनी के लिए कामिनी कांचन की लालसी है, ये तो एक बीमारी है। साधु गुरु वैष्णव कभी क्रोधित नहीं होता, एक इट इज़ वन काइंड ऑफ डिजीज। जैसे बीमार होने से हॉस्पिटल में जाते हो ना, किसी का अंदर में पैसा के लिए खिंचावट है, वो माल मार रहा है, वो साधु गुरु वैष्णव उसको गाली नहीं देता कि क्यों गाली दे, तो एक तो बीमार है। जब ये बीमार हट जाए वो देखेगा रे महाराज ये सब लेके मैं क्या करूं, ये तो काल मर जाऊं तो पैसा रहेगा। मेरा सामने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, बहुत सारे साधु गुप्त रूप से बैंक में अमानती पैसा रखा था, जब मर गया किसी को नॉमिनी ने बना के नहीं गया, क्योंकि नॉमिनी बनाए तो जानकारी हो जाएगा हमने पैसा रखा है, जगत में प्रचारित हो जाएगा हम साधु का पद बोला नहीं, और सरकार ने सारे खा लिया, समझा, लाखों लाखों रुपया रख दिया, लेकिन दुनिया को बोले वो बोले हम साधु है लिखा है इतना लाखों रुपया कैसे होगा, बोला नहीं। और जब मर गया तो सरकार सारे खा लिया, सरकार का जिम्मा में गया, एक तो उसका पाप हुआ वो तो चोरी किया, दूसरा तो वह भोग नहीं पाया सरकार ले लिया, दोनों तरफ से नुकसान है, गुरु वैष्णव का सेवा में नहीं लगा, समझा मेरा बात। तो वक्ता स्वरागो निरागो द्विविधो परिकीर्तिता। वक्ता दो किस्म का है, एक है कामिनी कांचन का प्रतिष्ठा का बहाना लेके करता है, और एक है बिना कोई इंटरेस्ट जगतवासी को बचाने के लिए मंगल विधान के लिए 100% जरा से भी गंदगी नहीं है अंदर में, पूरा आशीर्वाद देने की। हरिकथा सुन मंगल लाभ कर, कौन जाने दोबारा तेरा साथ मेरा मुलाकात होगा कि नहीं होगा, मैं भी चल जाए तो एक दफे प्रवचन सुन ले, जिंदगी को परिवर्तन कर ले, ऐसा ही इच्छा है और कोई प्राप्ति करने का कोई इच्छा नहीं। चाहे गाली दो, पॉलिटिक्स करो, हरिकथा बंद कर दो, कुछ आता जाता नहीं, क्योंकि उसका हरिकथा तो इसका हरिकथा तो ठाकुर जी का संतुष्टि के लिए, गुरु वैष्णव का संतुष्टि के लिए, आम आदमी का मंगल के लिए। आज ज़्यादा तक बताने का समय भी नहीं है, समय बहुत हो गया, महाराज जी आए कि नहीं, आज तक यहाँ तक विश्राम दे। प्राय न देव मुनयो सभी मुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्षयेको
नान्यां ददससरणं ब्रह्मतो नुपासे वाञ्छाकल्पतरुवस्य के बासिन्द भवच पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः। काल बताएंगे ये श्लोक का व्याख्या, प्रह्लाद महाराज कह रहे हैं नृसिंहदेव के सामने, काल सुनोगे। आज यहाँ तक रहे, ठीक है।